गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले महिला सिपाही पिंकी सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही का सहयोगी दिल्ली का देव प्रताप सिंह भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर पैसे वसूली का ये मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर महिला सिपाही के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। महिला सिपाही बांसगांव थाने के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली है। मौजूदा वक्त में उसकी श्रावस्ती में तैनाती है। बांसगांव पुलिस और एसटीएफ ने संदिग्धों को कल रात में ही हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में आरोपी महिला कांस्टेबल और उसके सहयोगी ने पैसे वसूली की बात कबूली है। बांसगांव पुलिस और एसटीएफ उनके तार खंगालने में जुट गए थे। तो ये महिला सिपाही और इसके साथी 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेपर का झांसा देकर वसूली की बात भी इसने कबूली है। और अभी सिपाही की तैनाती श्रावस्ती में है, जिसके बाद आज ये गिरफ्तारी हुई। अनिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, कैसे इस महिला के बारे में पता चला? ये जो महिला सिपाही है जो श्रावस्ती में तैनात है, अब गिरफ्तारी हुई। देखिए, निश्चित तौर पर गोरखपुर पुलिस कल से ही मतलब परीक्षा को स्वच्छता और संपन्न कराने को लेकर लगातार मूवमेंट में थी और संदिग्धों पर नजर रख रही थी। उसी कड़ी में देर रात बांसगांव पुलिस और एसटीएफ को एक महिला सिपाही पिंकी सोनकर और उसके सहयोगी देव प्रताप सिंह की संदिग्ध भूमिका को बारे में पता चला था, जिसको रात में ही पुलिस ने उठाया था और थाने पर ले गए थे। और इन लोग से देर रात में पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये चीज सामने आई कि ये लोग कुछ अपने रिश्तेदारों को पुलिस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर उनसे धन उगाही कर रहे थे। तो इसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है और भी इनके कुछ सहयोगियों को हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जो चीजें अभी पता चल पाई है, वो पता चली है कि पिंकी सोनकर नाम की जो सिपाही है, इसकी पोस्टिंग श्रावस्ती के भिनगा थाने में थी और इसकी एक्सीडेंट में घायल हुई थी। उसके बाद से ही अपने गाँव बांसगांव में रह रही थी और वहां से जो पुलिस भर्ती परीक्षा है इसको लेकर ये अपने कुछ सहयोगी जो इसके थे सक्रिय थे और लोगों को प्रलोभन दे रहे थे कि परीक्षा पास करा देंगे और उसकी एवज में लोग धन उगाही कर रहे थे। तो फिलहाल एसटीएफ और बांसगांव पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके साथ के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ करके कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है कि और भी कोई लोग अगर इसमें शामिल हो तो उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह को आरोपी बनाया। इस पर अकाउंट से पेपर लीक की अफवाह को फैलाया था। यासर शाह ने अलग अलग ग्रुप और अकाउंट बनाए थे। सोशल मीडिया ऐप के 11 चैनलों पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए। पेपर के बदले क्यूआर भेजकर रकम भी मांगी गई और जिनकी यूपीआई आईडी मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक डिटेल के जरिए पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले के खुलासे में साइबर सेल और एसटीएफ भी लगाई गई है। आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया कि 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 48,17,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हुए हैं और अभ्यर्थियों के लिए यूपी सरकार ने बस सेवा को फ्री कर दिया है। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। तो देख सकते हैं आप, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर की भीड़ देख सकते हैं, सभी अपने अपने कमरे को लेकर, कहां पर उनकी परीक्षा होनी है उसे लेकर जो लिस्ट यहां पर लगाई गई है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। 67 जिले हैं कुल उत्तर प्रदेश के जिनमें सेंटर बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 48,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा का हिस्सा बन रहे हैं। ट्रेजरी में इस बार डबल लॉक सिस्टम रखा गया है। कई ऐसी चीजें हैं जो इस बार की परीक्षा भर्ती के दौरान
भर्ती परीक्षा के दौरान अलग देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले ज्यादा टाइट है, ज्यादा तगड़ी और कड़ी सुरक्षा, कड़ा पहरा पुलिस का है। तो नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोड़ा से देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगियों के पास सिलसिलेवार तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले नोएडा चलते हैं हिमांशु शुक्ला के पास। हिमांशु, इस बार कड़ी सिक्योरिटी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, आप कहां पर मौजूद है इस वक्त दिखाइए, क्योंकि 10 बज गए हैं, 9 बजे का ये वक्त है, किस तरह की हलचल परीक्षा केंद्रों के बाहर? बिल्कुल, देखिए इस समय हम नोएडा के सेक्टर 12 राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद है और आपको बता दें जिस सेंटर पे भीड़ 900 से ज्यादा है वहां पर एसीपी की तैनाती कर दी गई है और एसीपी के नेतृत्व में यहां पर पूरी टीम मौजूद है और चेकिंग की जा रही है लगातार। और आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों जगह मिलाए तो कुल 18 सेंटर्स है और प्रत्येक सेंटर में जो है करीब दोनों शिफ्ट में 7,000 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे परीक्षा देंगे। फिलहाल सुरक्षा की बात करें तो किसी को भी अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है, यही सबसे पहले बाहर चेकिंग की जा रही है, चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी है और साथ ही जो पुरुष हैं वो भी लगाए गए हैं। अंदर कई लेयर्स की चेकिंग की गई है और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसके अलावा जो घड़ियां हैं या कान में कोई बाली पहने हुए हैं या कुछ इस तरीके की संदिग्ध चीज दिख रही है तो वो बाहर ही रोक लिया जाता है और जो परिजन है या तो उन्हें सौंप दिया जाता है या पुलिस जो है कहीं आसपास रखने की बात कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा अंदर प्रिंसिपल होते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सहायक हैं, परीक्षा सहायक हैं, तमाम लोग, देखिए रोल नंबर्स हैं, बच्चे यहीं आते हैं, यहीं पर क्रॉस चेक करते हैं कि किस उस पर ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है, इस तरीके की पूरी डिटेल दे रखी है। और सॉल्वर गैंग्स पे खास तौर पे नजर है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर बार देखा जाता है कि अभ्यर्थी जो है परीक्षा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठते हैं जो संदिग्ध होते हैं, ऐसे लोगों को अब गेट पे ही चेक किया जा रहा है। और आपको बता दें एसीपी सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एसीपी साहब एग्जाम है आज, किस तरीके की पुलिस की तैयारी है इस बार ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि हर बार देखा जाता है कभी एग्जाम में पर्चा लीक हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ लोग संदिग्ध लोग एग्जाम देने बैठते हैं, इस बार इसको कैसे रोकेंगे यहाँ पर गेट पर? जो पुलिस व्यवस्थाएं की गई है उसी हिसाब से की गई है, कोई भी ऐसा परीक्षार्थी अंदर ना जाने पाए जो कि आप उसकी जगह, उसके लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था है, चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था है, अन्य सब व्यवस्थाएं जो अनुमन्य है वो सब व्यवस्थाएं की गई है। क्या किस तरीके के जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखे कि आप अंदर नहीं जाने दे रहे, और जो संदिग्ध है कौन सी चीजें जिनको आप अंदर नहीं जाने दे रहे या इनिशियली गेट पर खड़े होकर चेक कर रहे हैं? देखिए ये सब गेट पर ही हमने एक बोर्ड लगाया है जिसमें सब चीज लिखी हुई है कि आप क्या चीज लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा आपने अंदर देखा होगा, यहाँ गेट से आपको दिखाई दिया होगा, चेकिंग और फ्रिस्किंग दोनों चल रही है, महिलाओं की अलग चल रही है, महिला अभ्यर्थियों की और पुलिस अभ्यर्थियों की चेकिंग फ्रिस्किंग अलग चल रही है ताकि कोई ऐसा सामान लेकर ना जाने पाए। जो जाहिर तौर पर देखिये ये एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित चीजें हैं, पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, इसके अलावा जो पर्स होती है, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, ये सभी तरीके की चीजें पूरी तरीके से बंद की गई है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो अंदर आपको एक और दिखाएं कि दो लेयर की चेकिंग है, एक तो बाहर चेकिंग हो रही है, दूसरी अंदर चेकिंग हो रही है, जो फ्रिस्किंग जो हो रही है उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए अलग है, प्रॉपर सिस्टम लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई ना जा सके उसके लिए अलग से मशीन लगाई गई है, यानी पूरी तरीके से इस बार सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, चाक चौबंद की गई है ताकि कहीं पे भी कोई कमी या खामी ना रह जाए। और इस तरीके की तैयारी की गई है कि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो, फिर भी दो लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ है, फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात है जो पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ है, मौके पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो क्लासेज है वहां पर चेकिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नोएडा की तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखा दी। देवमणि त्रिपाठी के पास चलते हैं, गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवमणि, 9 बजे का वक्त है, किस तरह की हलचल परीक्षा केंद्रों के बाहर? हालांकि मुझे लगता है कि अभी तक एंट्री सभी स्टूडेंट्स की करवा दी गई होगी और अब आगे का प्रोसीजर चल रहा होगा। इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी किए जाने की बात है।
क्योंकि ये जो FIR दर्ज हुई है अफवाह फैलाने को लेकर और पेपर लीक को मामले को लेकर उसके उसकी वजह से यहाँ पर हाई अलर्ट पे है। SOG, SPF और जो तमाम टीमें हैं वो लगातार लगाई गई है। और चूंकि बहराइच जनपद से आते हैं यासिर शाह और पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, इसलिए पड़ोसी जनपद होने के नाते और भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बायोमेट्रिक एंट्री कराई जा रही है और LIU के पुलिस के SOG के और भी तमाम जवान लगाए गए हैं। और आप देख रहे हैं लगातार अभी क्योंकि 8 बजे से ही एंट्री शुरू हो गई थी और अब 9 बजे का वक्त है, ऐसे में यहाँ पर एंट्री लगभग हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग जो बचे हैं, जो दूर से जिनको आना था या किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, वो अब उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो पुलिस प्रशासन, LIU और जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट हैं और लगातार सुरक्षा दे रही हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे हैं कि हर परीक्षा लीक होती है या और भी तमाम वजहें होती हैं उसको लेकर। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कि जो सारे गेट पर यहाँ पर LBS डिग्री कॉलेज है, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, यहाँ पर परीक्षार्थी ज्यादा पहुंचे हैं, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी और देवमणि आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो 10 बजे शुरू हो जाएगी और उससे पहले के इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बाबू मिश्रा भी कानपुर से जुड़े हुए हैं, ओम बाबू मिश्रा के पास चलते हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी है। लगातार आप देख रहे हैं कि अभी कुछ परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 8 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी। रात से ही लोग, क्योंकि रहने की व्यवस्था थी, बस को शुरू किया गया था, तो लोग शाम को ही पहुंच गए थे यहाँ और सुबह से ही 8 बजे परीक्षा केंद्रों पर, जो परीक्षा केंद्र 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर पुरुष और महिला परीक्षार्थियों को अलग अलग एंट्री की गई है। तो दोनों तरफ तो देख रहे हैं आप ये तमाम तस्वीरें, ये थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि कानपुर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर आप देखिए किस तरह से तमाम जो अधिकारी भी हैं वो कई जगहों पर पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। रामगोपाल जरा दिखाइए गोरखपुर में किस तरह की सिक्योरिटी है और कौन से परीक्षा केंद्र पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं गोरखपुर में, बताइएगा। बिल्कुल, गोरखपुर में जो तैयारियां हैं वो सुदृढ़ हैं, चाक चौबंद है, और इसी का नतीजा है कि कल जब अफवाह एक तरीके से फैलाने की कोशिश की गई पेपर लीक को लेकर, तो बांसगांव में जो सिपाही तैनात थी अपने घर पे, जो श्रावस्ती में तैनात थी, उसको STF की टीम ने कल ही उठा लिया था, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मैं गोरखपुर के एक सेंटर पर खड़ा हूँ, सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज है, ये बड़ा सेंटर है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में कुल 55 सेंटरों पर हो रही है और ये 5 दिनों में चलने वाली 10 पालियों में करीब 2,45,000 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। प्रत्येक पाली में 24,500 अभ्यर्थी को परीक्षा देना है। और जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, आप देखिए कि सबसे पहले जो अभ्यर्थी आते हैं उनको यहाँ पे पूछा जाता है इनके पास क्या है, क्या कागज है, ये चेकिंग की जाएगी, ये फर्स्ट राउंड है। उसके बाद इस दूसरी स्तर की जो चेकिंग होती है वो यहाँ पे देखिए पुलिस फोर्स, महिला पुलिस फोर्स और उन पुरुष अलग, दोनों अलग अलग हैं और दोनों की बाकायदा यहाँ पे चेकिंग होती है, यानी कि गेट पे ही दो लेयर की चेकिंग हो जाने के बाद फिर उनको एंट्री, तीसरे लेयर पे अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है और उनका कोई प्रमाण पत्र और वो चेक करने के लिए भी बैठे हुए हैं, तो मतलब गेट से एंट्री करते ही 3 लेयर की उनकी चेकिंग हो जा रही है और उसके बाद फिर उनको क्लास के अंदर जाने दिया जा रहा है। और बाकायदा एक नोटिस चिपकाया गया है कि आप क्या लेके जा सकते हो, क्या लेके नहीं जा सकते हो और कैसे जाना है। तो ये जो पूरे इंतजाम है, ये पूरे इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे पैनी नज़र रखी गई है। STF की टीम और LIU की टीम लगातार सक्रिय है और वो इस पूरे परीक्षा पे नज़र रखी हुई है, कहीं पर भी कोई घटना ना हो इसको लेकर करीब करीब 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो बाकायदा चेकिंग कर रही हैं और चेकिंग करते हुए जो है वो जा रही हैं। अब कुछ अभ्यर्थी जो हैं बिल्कुल और तस्वीरों में तो उनको दिख भी रहा है, आप बातचीत करने की अगर कोशिश कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, चूंकि अभ्यर्थियों को अब लेट हो रहा है और 9 बजे का वक्त है, तो आप देखिए कि अब तैयारी पूरी है मैम? हाँ पूरी है। तो ये देखिए कि एक एक सामान निकाल लिया जा रहा है, बाकायदा यहीं पे चेकिंग की जा रही है। कहाँ से है भाई? मैं सर गाजीपुर से। गाजीपुर से तैयारी पूरी है? बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाजीपुर से आए हैं, रात में ही आ गए थे? नहीं नहीं सर, अभी रहते हैं, हम सिकरीगंज में रहते हैं, अभी जस्ट आए हैं। अभी आए हैं। तो ये गाजीपुर के अभ्यर्थी, तो देखिए पूरी तैयारी के साथ जो कड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं परीक्षार्थी, और अब थोड़ी देर में, क्योंकि 10 बजे का वक्त है, परीक्षा शुरू हो जाएगी पहली पारी की। और ओम बाबू मिश्रा भी लगातार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखा रखे थे। ओम बाबू मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं, जरा दिखाइए कि किस तरह के इंतजाम है वहां पर ओम बाबू मिश्रा, और वहां पर भी क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा होगा, जो बाहर से एंट्री का प्रोसीजर रहता है वो। दूर दूर से आए अभ्यर्थी यहाँ पर सीधे प्रवेश पा रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पुलिस परीक्षा कराए जाने के इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कानपुर में 69 केंद्र बनाए गए हैं और 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है, और हर पाली में करीब 28,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी कई दिनों से इस मामले पे नजर बनाए हुए थे, लगातार बैठकें चल रही थी कि कैसे निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराई जाए, तो उसी का असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के साथ पुलिस के आला अधिकारी सभी केंद्रों में तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ वह लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ DCP लेवल के अधिकारी आए थे, उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया है और लगभग शहर के सभी परीक्षा केंद्रों के बिल्कुल, तो खुद अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि कोई भी अगर इस तरह की लापरवाही नजर आती है तो उस पर सख्त एक्शन भी लिया जा सके। और एक जगह पर हमने आपको दिखाया, गिरफ्तारी भी हुई है एक महिला सिपाही की, जो वहां पर तैनात की गई थी।